अस्तोर से निकलने के बाद जो सबसे पहले गांव आता है उसी गोरीकोट कहते हैं। गोरीकोट और अस्तोर के दरमियान फासला 10 किलोमीटर का है। गोरीकोट गांव के एक पुल पर सड़क दो जानेब मुड़ती है। बाएं जानेब ये सड़क देवसाई के मैदानों की तरफ चली जाती है, जबकि दाएं जानेब ये सड़क तरशिक वादी की तरफ मुड़ जाती है। हमारी मंजिल तरशिक गांव था, वादी अस्तोर का आखिरी सिरा, जहां से दरियाए अस्तोर शुरू होता है। हमारा सफर पहाड़ी सफर था, एक तरफ तंग सड़क और एक तरफ पत्थरों से सर टकराता हुआ तुंदो तेज दरियाए अस्तोर, दूसरी तरफ पहाड़ और मुसलसल चढ़ाई। हमने जब गोरीकोट पुल से तरशिंग वादी की तरफ अपना सफ़र शुरू किया तो शुरू में खुश्क पहाड़ और संगलाख चट्टाने हमारे सामने आई, लेकिन जल्दी ये सब्ज़े में तब्दील हो गई, जिससे मंज़र यकसर बदल गया और हमारी खुशी की इंतहा न रही। अस्तोर से तरशिंग का सारा सफ़र दरियाए अस्तोर के साथ साथ चलता है। गदले रंग का ये पहाड़ी दरिया तरशिंग के अकब में पहाड़ के पीछे मिट्टी और पत्थरों से ढके हुए एक बहुत बड़े ग्लेशियर से निकलता है। एक साइड से रोपल की तरफ से आने वाला पहाड़ी नाला इसमें शामिल हो जाता है, रास्ते में रट्टू और चिलम नाली भी इसमें शामिल हो जाते हैं। रास्ते में हमने कई जगह स्टे किया जहां हमारे दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। हमारा ये सफ़र जारी था और हम आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हैरानगी की बात ये है कि हर दो मिनट के बाद मंज़र अपना रंग बदलता रहा। हर दो मिनट के बाद हमें एक नया मंज़र देखने को मिलता रहा। थोड़ी देर गुजरने के बाद नागा पर्वत का पहाड़ नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन उसने पूरी तरह हमें अपनी गिरफ्त में नहीं लिया था। उसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि वो अभी बहुत दूर था, दूसरी वजह ये थी कि वो तकरीबन बादलों में छुपा हुआ था। जो ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हमारा वास्ता एक ख़राब खस्ताहाल तंग सड़क से हुआ, जिसको देखकर हमारे हौसले पस्त हो गए, क्योंकि एक तरफ बुलंदी पे पहाड़ सड़क और नीचे दरियाए अस्तोर। लेकिन हमारा दोस्त इकराम जो कि गाड़ी चला रहा था, उसके हौसलों में कमी न आई और वो बिजली की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पाँव और एक्सीलेटर में जो तालमेल चल रहा था उससे हम किसी कदर घबराए हुए थे। जू जू हम आगे बढ़ रहे थे और बुलंदी की तरफ जा रहे थे, नागा पर्वत का पहाड़ ज्यादा वाजे शफाफ दिखाई देने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रोब हमारे ऊपर जमाने लगा था। नंगा पर्वत का पहाड़ जैसे जैसे करीब आ रहा था, इसकी खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था। हालांकि इसकी चोटी अभी भी बादलों में छुपी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सी मिग्नातीसी कुवत इसमें थी जो हमें अपनी तरफ खींचे जा रही थी।
अब हम एक बहुत ही खूबसूरत गांव में दाखिल हो रहे थे जिसका नाम चुरत है और ये तरशिंग वादी से पहले आता है। ये सरसब्ज और शादाब गांव अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। थोड़ी देर के लिए हम चुरत गांव में रुके रहे। हमने यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेना था, चिकन लेनी थी क्योंकि रात को हमारा बारबेक्यू का प्रोग्राम था। हमारे दोस्त यहाँ उतरे, यहाँ हमने थोड़ी देर स्टे किया, मकामी लोगों के साथ थोड़ी बातचीत की और इस गांव के बारे में और तरशिंग वादी के बारे में हमने यहाँ दोस्तों मकामी लोगों से कुछ ज़रूरी मालूमात ली और अपने इल्म में इजाफा किया और वही इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। चुरत गांव आबादी और मकानात के लिहाज से तो छोटा गांव मालूम होता है, लेकिन सहूलियात के लिहाज से ये बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग हाई स्कूल है जबकि लड़कों के लिए अलग हाई स्कूल है। बुनियादी मरकज़ी सेहत भी मौजूद है। यहाँ के मकानात भी आपको पुख्ता मिलेंगे। बिजली और पानी का निज़ाम भी बेहतरीन निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोग मकामी लोगों ने हमें बताया कि औसतन 3 बंदे हर घर की वो सरकारी मुलाजमतों में अपना हिस्सा डाल रहे हैं जबकि कुछ लोग सऊदी अरब, दुबई और खलीज ममालिक में भी नौकरियां कर रहे हैं जबकि जो लोग गांव में होते हैं वो यहां पे खेतीबाड़ी का काम करते हैं। उसके बाद हम पहुंचे तरशिंग गांव। ये गांव खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। नागा पर्वत के दामन में पड़ा हुआ ये गांव अपनी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया का खूबसूरत तरीन गांव मालूम होता है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत का एक टुकड़ा ज़मीन पे यहाँ डाल दिया है। इसको देख के अकल धंग रह जाती है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सब्ज़ा, तीसरी जानब देखें तो हिमालय का एक पहाड़ी सिलसिला जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे जो सबसे बुलंद पीक जो नज़र आती है वो रायकोट पीक है और उसके बाएं जानब नागा पर्वत का पहाड़ है। नागा पर्वत का पहाड़ जैसे आप सब जानते हैं इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है और जो माउंटेनियर यहाँ इसको सर करने आते हैं तो यहाँ बेस कैंप पे जाते हैं। जो सबसे पहले गांव बेस कैंप में आता है उसको रूपाल कहते हैं। इसी वजह से जो लोग इस पहाड़ को इस तरफ से सर करते हैं उन वो कहते हैं कि हमने रूपाल फेस की तरफ से इसको सर किया है। ये पहाड़ इसको परियों का मस्कन भी कहा जाता है और मुकामी जबान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका अंग्रेज़ी में मतलब है 100 faces। यानी मुकामी लोग ये कहते हैं कि नागा पर्वत पहाड़ के 100 चेहरे हैं। यानी आप इसको जिस साइड से भी देखोगे आपको वही चेहरा नज़र आएगा। कहते हैं कि आपने अगर नागा पर्वत को देखना हो तो आप सुबह के वक्त इसको देखें और हमारी खुशबख्ती कि हमें सुबह का ये नज़ारा देखने को मिला। बाएं जानेब आप देख रहे हैं सूरज की पहली किरण नागा पर्वत पर पड़ी और ऐसे लग रहा था जैसे आग लगी हो और बाकी जगह अंधेरा, लेकिन यहाँ रोशनी। क्या मंज़र है।